हेलो एंड वेलकम टू CDTMB। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पीकॉक लेकर आया हूं और इसमें कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी कुछ ऑनलाइन कोर्स चल रहा था जो मैंने अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले, पेड वाला 30 क्लासेस का वो कोर्स था। वो अब कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट बैच मेरा। तो अब मैं नया बैच नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करूंगा, दिसंबर में यानी के। तो उसकी डेट्स वगैरह मैं अनाउंस कर दूंगा और जल्दी उसका फॉर्म आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। आप लोगों को फॉर्म अवेलेबल करूंगा फिल करने के लिए, जो लोग एडमिशन लेना चाहेंगे उसमें। तो वो एक बात का टॉपिक है, लेकिन इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा कोर्स चल रहा था, लाइव कोर्स था और डेली लाइव क्लास देनी होती थी मुझे शाम को। तो आज मैं ये कुछ एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। ये एक पीकॉक मैंने आज नेट से देखा, ऐसे मुझे अच्छा लगा तो सोचा इसको, इमेज को वेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि इस तरह का रियलिस्टिक ड्राइंग्स वगैरह का इलस्ट्रेशन की किस तरीके से वेक्टर बनाया जा सकता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स मैं सोच रहा हूं इसके बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है इस तरह का एक कुछ ड्राइंग बनाना अपने आप में वेक्टर। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर वैसे आज मैं इसकी टेक्निक बता दूंगा आपको थोड़ी सी, और अगर मुझे जैसे जैसे बीच बीच में टाइम मिलता रहेगा तो मैं इसके थोड़े थोड़े पार्ट लेकर आऊंगा। जैसे आज मैं थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा इसका, छोटा सा, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके। मैं एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ करूंगा, वो आपको बताऊंगा, तो उससे आपको थोड़ी सी टेक्निक पता चलेगी, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप चीजों पर। और उसको कुछ चीजें और बताऊंगा कि काम को आसानी से किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। फिर इसको अगर इस तरह की कोई चीज बनाएंगे आप तो बहुत मुश्किल होगी क्योंकि उसमें एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो उसको आसानी से कंट्रोल कर सकें आप, फाइल को हैंडल करने के लिए क्या क्या चीजों का ख्याल रखें वो सब भी बताऊंगा मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको। तो चलिए आज के लिए फिलहाल ये शुरू करते हैं। और इसको बनाने के लिए हम ड्रॉ करेंगे आउटलाइन वगैरह इसकी शेप के लिए, और फिर मैश फिल टूल का यूज करेंगे, शेप टूल का यूज करेंगे, अलग अलग टूल्स का यूज करके ये बनेगा। तो फिलहाल जो आज हम बनाएंगे, सबसे पहले इसकी ड्राइंग बनाएंगे, एक आउटलाइन यहाँ की, ब्लू वाला पार्ट बनाएंगे हम बीच का, मेन बॉडी पार्ट ये वाला पार्ट बनाएंगे हम इसका, ये, और इसके अंदर काम करेंगे आज हम। और नेक्स्ट पार्ट जब मैं लाऊंगा इसका तो उसके अंदर कुछ और बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बनाने के लिए ये हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो शुरुआत करेंगे हम ड्रॉइंग से। ड्रॉइंग के लिए मैं यहां से ले रहा हूं अपना बेजियर टूल। बेजियर टूल के बारे में मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह बता चुका हूँ, और जो लोग मेरे फर्स्ट बेच में स्टूडेंट थे उन लोगों को बता चुका हूँ, वो लोग भी देखेंगे तो उनको आसानी से समझ आएगा ये। तो मैश फिल का यूज करूंगा इसके बाद। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने यहां से नोड लिए, अब मैं नोड्स लेनी शुरू कर रहा हूं ताकि शेप सही ड्रॉ कर सकूं। देखिए यहां कुछ है, आई है शायद ये, यहां और यहां, यहां ये शेप सही ड्रॉ होना बहुत जरूरी है। सही से ड्रॉ करेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा बनाऊंगा लेकिन इतना बनाऊंगा कि आसानी से आप समझ जाएं उसको। फिर जो बहुत डार्क पार्ट है मैं उनको इसी तरह बना रहा हूं फिलहाल। ये ड्रॉ हो गई आउटलाइन। इसको मैं काम कर लेता हूं थोड़ा सा समझने के लिए, ये जो पीकॉक है इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं थोड़ा सा फिलहाल, क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूं मुझे आउटलाइन ठीक से नहीं दिख रही है। अगर आप लोगों को भी इस तरह की परेशानी आए तो ट्रांसपेरेंसी कर लीजिए ताकि हम इसको सही तरीके से आसानी से ड्रॉ कर सकें। देखिए अब ये दिख रही है आउटलाइन, चाहे रेड कर लें इस आउटलाइन को, ये देखिए और क्लियर दिखेगी। और इसको बारीक भी कर लें ताकि एक्यूरेसी अच्छी आए, 0.02 कर लेता हूं मैं, ये देखिए ये हो गई, बहुत बारीक कर ली मैंने।
अब इसको आराम से ड्रॉ करके बिठा लेंगे सही जगह। पहले इसको शेप को जो ड्रॉ किया है शेप टूल से सभी को कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे यहां आउटलाइन के लिए। ये देखिए ये अब ये कर्व हो गई है। अब मैं इसको आराम से थोड़ा थोड़ा जूम कर सही जगह बिठाऊंगा इसको कि यहां कहीं ये देखिए आई है ये शायद। तो आराम से सही चीज करेंगे, कोई जल्दी नहीं है मैं बहुत। देखिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट बाद में भी कर सकते हैं अगर कहीं छूट जाएंगी हल्की फुल्की तो। आराम आराम से ड्रॉ कर लीजिए ये सब शेप को, लेकिन थोड़ा अच्छी तरह देख के करना है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, तसल्ली से कीजिए। थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई बात नहीं है इसमें। ये ऑलमोस्ट हो गया है देखिए, ये देखिए सही है मेरे ख्याल से इतना। और थोड़ा जूम कर लूं ताकि ये सही से इसकी कर्व्स बन सके। ये सही है, ये देखिए अब मैंने एक बेसिक शेप बना लिया सिर्फ। ये मेरा मास्टर शेप होगा, इसकी कॉपी कर रहा हूं मैं, कॉपी एंड न्यू पेज ले रहा हूं आफ्टर एंड यहां पेस्ट, और बार बार सेव करता रहूंगा जब थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे हम। तो ये मेरा ये शेप है। मैं अब क्या करूंगा, जो भी इस बीच वाले पोर्शन का काम करूंगा ये इसके अंदर पावर क्लिप करता रहूंगा ताकि मेरा शेप सही रहे। जहां जरूरत होगी बिना पावर क्लिप के, बिना पावर क्लिप के भी यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल ताकि जितना भी एलिमेंट इससे रिलेटेड यूज करूंगा सब इसके अंदर पावर क्लिप करता रहूंगा। ठीक है, तो हम आते हैं फर्स्ट पेज पर। अब हमने ये बना लिया है, अब इसको मैं ट्रांसपेरेंसी को वापस से जीरो कर रहा हूं। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी मैंने ऑफ कर दी बिल्कुल। अब इसमें देखिए शेडिंग्स दिखाई दे रही है, यहां ब्लू की शेडिंग इस तरह आ रही है कुछ, यहां ब्लैक की आ रही है डार्क, तो यहां हल्का सा ब्लू आ रहा है। तो हम ये चीजें डिफाइन करेंगे, तो मैं ये वाला पोर्शन डिफाइन कर रहा हूं। देखिए अब यहां से अलग से निकालूंगा, यानी कि मैंने ये थोड़ा सा आउट किया, आउट कर रहा हूं कोई बात नहीं है। देखिए इस तरह और यहां तक लिया, और चाहे इसको स्मार्ट फिल से यूज करके बना लीजिए। ये वाला पोर्शन बना लिया मैंने, इसको डिलीट कर रहा हूं ये बाहर का, तो मैं इतना यूज करने के लिए निकाला है मैंने इसको। थोड़ा सा ओवर लेना है मुझे बस एक आइडिया से, और इसी तरह ये वाला पोर्शन निकाल लूंगा मैं जितना मुझे चाहिए। देखिए चाहे मैं फ्री हैंड से भी बना सकता हूं, लेकिन मैं फ्री हैंड नहीं बना रहा हूं, नोट ज्यादा आ जाएंगी
ये देखिए ये वाला पोर्शन यहां से कुछ इस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है, तो मिलता हुआ मैंने यहां से और यहां पर ओवरसाइज ले रहा हूं हल्का सा चारों तरफ से। ये देखिए ये आ गया और इसको भी स्मार्ट फिल से फिल कर लेता हूं। ये देखिए ये आ गया, ये डिलीट कर रहा हूं, इसको मजेंटा कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, दिखाई देने लगे। बाकी इसको हम कर लेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है। ये वाला पोर्शन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम यहां से ले लेते हैं। चलिए ओवरसाइज लेंगे इसको भी, वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी ले लेते हैं। चलिए ये हो गया और यहां भी स्मार्ट फिल हम यूज करेंगे इस तरह। ये देखिए वाई ये मजेंटा। तो अब सबसे पहले मैं ये सब मजेंटा वाले तीनों पार्ट कट कर रहा हूं और मैं बेसिकली इसको यूज करूंगा अभी, लेकिन फिलहाल टेम्परेरी तौर पर मैं इसको यहां रख रहा हूं। ये मैंने यहां रख लिया, अभी इनको यूज नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मैं इस पर काम करूंगा जो मेरा मेन शेप है, कंट्रोल जेड कर रहा हूं। ये देखिए इस पर, अच्छा ये आरजीबी इमेज है तो मैं आरजीबी ही बना रहा हूं, कलर चेंज हो जाएंगे अदरवाइज, इसमें मैं आरजीबी में ही यूज करूंगा इसको। अब यहां मैं कलर फिल करूंगा सबसे पहले डार्क वाला, जो सबसे डार्क मुझे यहां दिख रहा है ब्लू, ये वाला डार्क मैं ऐसे स्मार्ट फिल से आई ड्रॉपर से लूंगा। ये देखिए और ये फिल कर दूंगा, ये हो गया कुछ इस तरह का दिखेगा ये। अब मुझे थोड़ी सी चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी अब कलर फिल करने के लिए। ये देखिए, चाहे आप मैश फिल से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी एक कॉपी यहां ले आता हूं, ये देखिए इसके पीछे, तो इससे आइडिया से आप कलर फिल कर लेंगे थोड़ा सा। मैं यहां मैश फिल्ड का यूज करूंगा, यहां एक मैश फिल्ड टूल है और ये मैश कुछ इस तरह दिखा रहा है इसका, तो मैं यहां कहीं एक नोड ले लूंगा, देखिए क्योंकि यहां है तो यहां कहीं ले लूंगा, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन कलर वगैरह मैच करने के लिए। यहां जब ये आ जाता है तो हमारी ये आई ड्रॉपर टूल टॉप पर आता है और यहां से नोड मेरी ये वाली सिलेक्ट है, तो मैं यहां से इस नोड पर देखिए ये कलर फिल करूंगा तो कुछ इस तरह दिखाई देने लग जाएगा आपको। इन नोड्स डिलीट कर दूंगा जो मेरी अनवांटेड है, देखिए, ताकि मेरा शेप कुछ अच्छा हो जाए। ये देखिए, और ये देखिए इस तरह कुछ। मैं इसको सिंपल करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहता शेप को। देखिए यहां की नोड्स वगैरह देखूंगा कहां कहां क्या बना रही है, कुछ इस तरह कर लूंगा और इन नोड को भी यहां से कलर मैच करूंगा। देखिए जहां की नोड पर मुझे कलर मैच करना है, मैश फिल का यूज करूंगा मैं इस पर, मिनिमल नोड्स का यूज करने की कोशिश करूंगा मैं, कम नोड्स यूज हो ताकि जितनी मिनिमम पॉसिबल हो। ये नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है हम वो करने की कोशिश करेंगे तो वो तो हो ही नहीं सकता है। ये देखिए स्मूथनेस आती जाएगी जहां जहां हम यहां से कलर यहां से मैच कर लेंगे इस तरह। यहां पर यहां कहीं ये कलर और नॉट से मैच कराते रहेंगे बेसिकली हम इसको। देखिए यहां पे इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है तो, ताकि स्मूथनेस हमारी बरकरार रहे डिजाइन में। फिलहाल मैं सॉरी मैंने आई ड्रॉप मैश टूल से ये वाली नोड है, यहां का कलर डार्क ही है तो कोई बात नहीं, ये डार्क चल जाएगा, यहां पर नहीं आएगा। यहां पर हमें देखिए यहां पर भी हम कलर चेंज करेंगे नोड का, यहां से मैच कर लेंगे कहीं यहां से, और इस वाली नोड को भी हम यहां कहीं से मैच कर लेंगे कलर इस तरह। यहां मैंने नोड ले ली, यहां ब्लैक ऐड कर दिया,
उसी के बाकी उससे काम चल जाएगा हमारा। और यहां इस तरह लेना था हमें, वो सब हमारा वहां से आ जाएगा। चलिए ये फिलहाल इतना हो गया मेरा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, यहां मैं पहले एक मैश फील रखकर दिखा देता हूं आपको। यहां एक सर्कल है मान लीजिए इस तरह का, या कोई भी शेप हो सकता है ये, और इसके पीछे बैकग्राउंड है यहां, ये रेड कलर की बैकग्राउंड है। ये सर्कल में मैं ब्लू कलर फिल कर देता हूं मान लीजिए मैश से, यही वाला कॉपी कर दिया मैंने। अब जब इस तरह का मैश हमारा अप्लाई हुआ हुआ होगा, कहीं हमें ये एज मर्ज होती हुई दिखानी है, तो हम इसको यहां से नोड सेलेक्ट करेंगे जितनी हमें दिखानी है, और यहां ट्रांसपेरेंसी होती है, हम यहां से ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देंगे, तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी इन नोड्स के पास से। ये देखिए इसी तरह हम जितना चाहें कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मैं 100% करूंगा, 100% होती रहेगी। इस नोड की कम करना चाहूंगा स्पेसिफिक, तो मैं कम कर सकता हूं, ये देखिए कम हो गई। इस नोड को देना चाहूंगा ट्रांसपेरेंसी, तो मैं यहां से ऐड कर दूंगा, ये देखिए इस तरह जितनी भी ऐड करना चाहूंगा मैं, आउटलाइन इसकी नन कर दूंगा। तो इस तरह हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं किसी भी एरिया को। ये बीच में से सडनली मैं यहां से ट्रांसपेरेंट करना चाहूंगा, तो इस नोड को सिलेक्ट करके यहां पर ट्रांसपेरेंसी दे सकता हूं, ये देखिए। तो इस तरह हम ये इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद है ये टेक्निक समझ आ गई होगी, ट्रांसपेरेंसी और कलर दोनों चीजें। यहां से हमने ट्रांसपेरेंसी 60% है, कलर में यहां पर कोई ये लेना चाहता हूं ये लीजिए ये आ गया, या इस नोड को सिलेक्ट करके यहां से कलर फिल करना चाहता हूं येलो ये आ गया, तो यहां येलो कलर है क्योंकि रेड के ऊपर है वहां दिख रहा है ये। ट्रांसपेरेंसी 100% कर दूंगा तो मैं वापस आ जाएगा ये मेरा ओरिजिनल कलर टोन पर येलो, ये देखिए ये हो गया। तो इस तरह हम कलर और ट्रांसपेरेंसी का यूज करके इसको हम इस तरह के इफेक्ट ऐड करेंगे इसके कलर ब्लाइंड ब्लेंड के। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी चीज आपको। तो अब जो मैंने वहां बनाया था छोटा सा ये वाली नोड, ये उठा लेता हूं मैं, ये देखिए ये मैंने कॉपी कर ली है और मैं टॉप वाले पेज पर ला रहा हूं, यहां पेस्ट, ये आ गई है। क्योंकि ये मैंने यहां के लिए बनाई है तो मैं यही कलर फिल करूंगा आई ड्रॉपर से, ये वाला पॉसिबल कलर ये है मेरा ये। अब मैं यहां मैश ऐड कर दूंगा यहां, तो ये मैश ऑटोमेटिक लिया है इसने, तो मैं इसको हल्का सा एडिट कर दूंगा यहां कुछ, और ये इस तरह कर लूंगा थोड़ा सा नोड्स, इसके एंकर पॉइंट्स छोटे कर लूंगा ये देखिए कुछ कर्व बनाने के लिए। और इस वाली नोड पर जो सेंटर वाली है मैं ये वाला शेडो देना चाहता हूं, ये देखिए मैंने यहां ऐड कर दूंगा ये वाला, तो ये ऐड हो गया। यहां पर मैं ये डार्क वाली टोन ऐड कर दूंगा तो ये उससे ब्लेंड हो जाएगा। अब यहां भी ब्लेंड करने के लिए ये वाली टोन ऐड कर दूंगा, ये देखिए, और यहां पर थोड़ी सी डार्क टोन ऐड कर दूंगा, ये देखिए ये। अच्छा अब एक चीज और देखिएगा, हमें कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड करना होता है, मुझे इस एरिया में इतने में देना है, तो मैं यहां एक नोड और क्रिएट कर सकता हूं और एक नोड यहां क्रिएट कर सकता हूं, और यहां पर मैं डार्क टोन यहां से ले लूंगा, ये देखिए ये, और इस वाली दोनों नोड्स पर, इस वाली नोड पर मैं डार्क टोन यहां से ले लूंगा ये, तो ये डार्क नहीं आई अभी, थोड़ी सी और डार्क लूंगा मैं इसको यहां कहीं है, तो ये देखिए मेरा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा है ब्लू यहां वाली नोट पर, यहां वाले जो क्लोज कलर्स हैं, ये देखिए जितना क्लोज हम होंगे सही कलर के उतना अच्छा आपका ब्लेंड बनेगा यहां पे कलर्स के साथ। यहां पर आप चाहें इस वाली कलर्स के साथ ब्लेंड कर दीजिए, क्योंकि एज आपको यहां से ब्लेंड होती हुई दिखानी है, ये देखिए ये, तो आपका ये इफेक्ट आने लग जाएगा। ये देखिए यहां पर इस वाली नोट को मैं इस वाले के साथ ब्लेंड कर दूंगा, ये डार्क टोन के साथ ये ब्लेंड हो जाएगी, ये वाली डार्क टोन के साथ यहां पर डार्क टोन ये हो गई। यहां शार्पनेस खत्म करनी है बेसिकली हमें, देखिए इस तरह हम टोन सिलेक्ट करते रहेंगे और ये हमारी टोन मैच हो जाएगी, ये देखिए ये यहां कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया है। जब हम इसमें और कलर वगैरह सही तरीके से ऐड कर लेंगे तो ये और अच्छा लगने लगेगा। देखिए यहां तक जा रहा है, तो हम चाहें तो ये सेंटर वाले नोड का कलर चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा लाइट, यहां से ये वाली टोन, ये देखिए और ये शार्प हो गया है। और शार्पनेस खत्म करने के लिए हम इसके एंकर पॉइंट्स देखेंगे, ये बहुत ज्यादा है तो ये हो गया। यहां पर क्या है, यहां ये इससे इस तरह देखिए शार्पनेस हम इसकी कम कर लेंगे, देखिए अब ये काफी हद तक इससे मैच हो गया है। शार्पनेस कम करने के लिए आप कलर ब्लेंडिंग
कर लीजिए ऐड। देखिए ट्रांसपेरेंसी थोड़ा देना चाहें, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी यहाँ ऐड की जा सकती है देखिए, ताकि इसकी स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाए। देखिए यहां से जितना कम और ज्यादा दिखाना है, देखिए इस तरह का इफेक्ट ऑलमोस्ट आ गया है। अब बचा ये वाला पोर्शन, हम इस वाले के लिए फिर से हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये उठा लेंगे यहां से, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट पेज पर। और इसके लिए हम कलर मैच करेंगे, देखिए पहले हम डार्क ही कलर ले लेते हैं इसमें, आई ड्रॉपर से ये डार्क वाली टोन ले लेते हैं फिल। अब इसको मैच करने के लिए ये वाले कलर हम मैच कर लेंगे, मैश फिल का यूज करेंगे, ये मैश इसने ऑटोमेटिकली दे दिया। तो हम ये तो सही है बीच वाले में, सॉरी यहां पर हम बीच वाली इस पे नोड पर, ये बहुत ज्यादा बड़ी है तो हम इसको छोटी कर लेंगे नोड्स को कुछ इस तरह। यहां पर कलर फिल कर लेंगे, देखिए जहां पे इसकी टोन के आसपास का रहा है, ये छोटे पैचेज हैं ये हम बाद में बना सकते हैं। देखिए इस तरह ये आ गया, इसी तरह टॉप पर जहां तक भी जा रहा है ये, हम इसको इसी तरह फॉलो कर लेंगे। यहां बाद में हम ऐड कर सकते हैं, यहां पर हमें डार्क टोन चाहिए ये वाली, और हमें यहां पर चाहिए ये ब्लू, लाइट टोन वाला ब्लू, ये देखिए ये आ गया सही है। यहां पर हमें कुछ इस तरह का यहां पर ऐड कर लेंगे हम एक नोड, तो इस वाले में हम यहां से ये वाला ब्लू ले लेंगे ताकि इसके साथ ब्लेंड हो जाए, और इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, हमें ब्लेंडिंग स्मूथ चाहिए, बहुत शार्प नहीं चाहिए। जैसे यहां शार्प आ गई है, क्यों आई है, क्योंकि यहां नोड्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये देखिए ये एक दूसरे के साथ मैच हो रही है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें छोटी चाहिए एक दूसरे से। और कहां तक हमें रेस्ट्रिक्टेड करना है ये देखिए, इसके हिसाब से हमें फॉलो करते हुए इसको हम नोड को छोटा करेंगे, बहुत बड़ी है देखिए, कम होती जाएगी। अब ये वाला कलर हमारा सडनली अनलॉक हो गया है, तो हम इस वाले टोन के अंदर देखेंगे क्या कमी है। इस वाली टोन को हम यहां से ये वाली टोन ले लेंगे डार्क, और डार्क लेंगे जो हमारी ओरिजिनल टोन है, और यहां कहीं है यहां पर भी हम डार्क टोन लेंगे। अब हमें ये बिल्कुल टोन को ओरिजिनल रखना है, मर्ज होता हुआ है देखिए, अब ये काफी हद तक मर्ज होने लगी है, ये देखिए फील आने लगी है। अब इसके कलर टोन्स हम और बनाने के लिए, जहां लाइट जरूरत है वहां लाइट ले लेंगे हम, जहां डार्क की जरूरत है वहां डार्क ले लेंगे बस। देखिए यहां से ये टोन मैच कर लेंगे थोड़ी सी लाइट, और इस तरह ये देखिए अब फील आने लगी है, और ये ज्यादा शार्प है तो इसकी हम नोट्स देखेंगे कहां है, इस तरह कर लेंगे थोड़ी सी, ये देखिए ये हो गया है। यहां देखिए अगर आपको ज्यादा एज दिख रही है यहां, तो हम यहां एक काम करेंगे, यहां पर एक नोड ले लेंगे और इस वाली नोड को यहां के कलर से मैच कराएंगे, ये देखिए तो यहां हमारी एज के करीब आ जाएगा, जितना हमारा एज के करीब चाहिए हमें उस हिसाब से मैच कर लेंगे इसको। यहां से ये इस तरह, ये इस तरह, और इसको क्लोज कर लेंगे यहां थोड़ा सा, जितना हमें करना है। तो इनकी नोड्स के साथ थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, खेलना पड़ेगा, इसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि जब हम नोड्स के साथ करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। देखिए इसकी नोड मुझे छोटी करनी है थोड़ी सी, ये वाली, ये नहीं है, इसकी नोड ये है, ये छोटी करनी है ताकि ये एक दूसरे से ओवरलैप होकर कलर सही बनाए, ओवरलैप ना हो सॉरी। ये देखिए अब ये सही है, यहां मुझे शार्पनेस थोड़ी सी दिख रही है तो मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, ये इस तरह करूंगा, और इसको भी यहां कर लूंगा कुछ इस तरह। देखिए अब ये काफी कम हो गई है, और कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर दूंगा इसमें थोड़ी सी। यहां देखिए अगर जरूरत होगी तो यहां नहीं, यहां कहीं, तो मैं हल्की सी ट्रांसपेरेंसी ऐड कर दूंगा, देखिए जहां भी मुझे जरूरत महसूस होगी। अब ये मेरे ख्याल से काफी हद तक सही है, और हम इसको बेटर करते रहेंगे अभी।
ये देखिए, यहां हल्का से ब्लैक की जरूरत है, तो यहां हम ब्लैक एक नोड और यहां ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, चलिए इस वाली लाइन के ऊपर, और इसको हम क्लोज कर लेंगे और कुछ इस तरह, और इसको हम यहां कर लेंगे छोटा छोटा कर लेंगे जितना हो जाएगा, और यहां पर हम ब्लैक ऐड कर देंगे, ये डार्क वाला, ये देखिए ये आने लगा, और कहां तक जाएगा ये फॉलो होता हुआ, टॉप तक, ये देखिए आ गया है इसमें हल्का सा ब्लैक। जितने ब्लैक की जरूरत होगी उतना ब्लैक बढ़ा सकते हैं आप, यहां से और बारीक करना चाहते हैं तो और ज्यादा ऐड कर सकते हैं, देखिए जितना भी बढ़ाएंगे आप वो बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से, देखिए तो फिलहाल इसको हम यहीं रोकेंगे, फिर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा इसके लिए, ताकि आगे की और चीजें सीखेंगे। अभी इसको रियलिस्टिक बनाएंगे, इसके अंदर ये जो टेक्सचर दिखाई दे रहा है ये सब बनाएंगे, छोटे छोटे इफेक्ट भी बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपको बेसिकली इसकी टेक्निक पता चल गई, हम काम किस तरह कर रहे हैं, देखिए यहाँ शेडिंग दिख रही है इसकी, ये सब बना लेंगे, ये अभी भी बना सकते हैं हम इसके अंदर, लेकिन हम इसको अलग तरीके से बनाएंगे ताकि हमारी एडिटेबल फाइल रहे, हम बाद में भी आसानी से बना सके। तो आज के लिए इतना ही, नया वीडियो फिर लेकर आऊंगा, जल्दी लेकर आऊंगा, और इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते रहिए CDTFB, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे, और जितने लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी पेड कोर्स के अंदर, 30 डेज का कोर्स है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं जल्दी ही फॉर्म अवेलेबल करूंगा आपको। दिसंबर में नया बैच स्टार्ट होगा, 2nd बैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग CDTFB, थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।